स्त्रियों के बारे में बात कर रहे थे. We talked about the role of women. और हमने स्त्रियों के अलग अलग किरदार के बारे में बातें किया. As a wife, mother, believer and warrior. एक स्त्री एक माता के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक योद्धा के रूप में होती है. We talked about how God is trusting us. और हमने इस बारे में बातें किया कि कैसे परमेश्वर स्त्रियों पे भरोसा करता है. And we talked about, we discussed about the preaching of women. और हमने स्त्रियों के प्रचार के विषय में भी बातचीत किया. And what God is asking us to preach about. और अब परमेश्वर क्या चाहता है कि हम प्रचार करें. So God wants us to preach about the kingdom of God. और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रचार करें. Because Jesus has come to preach the gospel of kingdom. क्योंकि यीशु इसलिए आया कि परमेश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार को प्रचार करें. It is a final blessing of this earth. और इस पृथ्वी पर अंतिम आशीष ही सुसमाचार प्रचार करना है. That people should live with Jesus here on the earth. और ये परमेश्वर की आशीष है कि वो परमेश्वर के राज्य में इस पृथ्वी पर यीशु के साथ लोग रहना है. Before he comes, इससे पहले कि यीशु का आगमन हो, his church will rise up, उसकी कलीसिया में खड़े होना है उनका. And bring down the heaven, ताकि कलीसिया मिलकर जब खड़े होंगे तब परमेश्वर के स्वर्ग को पृथ्वी पर ला सकते हैं. Kingdom of heaven will come down on the earth. और जब स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर उतर करके आएगा. And people will testify it. और लोग ये परखे जाएंगे. And they will see the glory of God. और वो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे. Because we all are the temple of the Holy Spirit. क्योंकि हम सभी पवित्र आत्मा के मंदिर हैं. We carry God's glory. और हम परमेश्वर की महिमा को लेकर के चलते हैं. Afternoon we have learned the power of God. और दोपहर के समय हमने परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में, we have learned about his anointing. उसके अभिषेक के बारे में हमने जाना. We have learned about the glory of God. हमें परमेश्वर की महिमा के बारे में जाना. We know everything now. अब आप सब कुछ जानते हैं. We know how the God wants to work through us. और अब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर कैसे हम से होकर कार्य करना चाहता है. Now we have to see it. अब केवल हमको ये देखना है. Often we have seen that we are heirs to the kingdom. दोपहर में हमने देखा कि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं. The blessing of the Lord is also there for us. और प्रभु की आशीषें भी परमेश्वर के वारिसों के लिए हैं. So what do you will think about the blessing? तो आप आशीष के लिए क्या सोचते हैं? God bless you means. परमेश्वर आपको आशीष देगा का अर्थ ये है. You will take very light. आप उसको हल्के तरीके से. Yes, sister, God bless me. Yes, sister, God bless you. हाँ, ये आप सोचोगे कि हाँ शिष्य प्रभु ने आशीष दिया. This word is a very great word. परंतु ये जो शब्द है आशीष देगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है. It carries great creative power. वो एक बड़े अद्भुत सामर्थ्य को लेकर के चलता है. For this we have, you have to open your mind. और इसके लिए आपको अपने मनों को खोलने की जरूरत है. Listen carefully. और बड़े ध्यान से इस बात को सुनना जरूरी है. And claim this. और इस बात को अपने जीवन में अंगीकार करना है. And live in the blessing. और आशीषों में जीना है, चलना है. Shall we close our eyes and pray to Holy Spirit? और हम अपनी आंखों को बंद करके पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे. To open our eyes, spiritual eyes. ताकि पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे. To understand His purpose. ताकि हम परमेश्वर के उद्देश्य को समझने पाए. Father God, I come before your throne of grace. पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख हम आते हैं. Father, you have chosen us. पिता, तूने हमें चुना है. You have changed our minds. तूने हमारे मनों को बदला है. You, our Lord of God, you have given us authority. प्रभु परमेश्वर, तूने हमें उस अधिकार को दिया है. You have given us power. तूने हमें सामर्थ को दिया है. You have given us anointing. और तूने हमें अभिषेक को दिया है. Father God, पिता परमेश्वर, you have removed the curse from us. तूने सारे श्रापों को हम पर से हटा दिया है. We are ready to receive your blessing. अब हम तैयार हैं तेरी आशीषों को ग्रहण करने के लिए. Lord, open our spiritual eyes. प्रभु, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए. So that the Lord of God will understand. ताकि हम ये समझ नहीं पाए प्रभु. Who we are in Christ. मसीह में हम कौन हैं? In Jesus. यीशु के नाम से. Amen. Amen. So, blessing of the Lord. वो परमेश्वर की आशीष is on everyone of us. वो हम सभी के ऊपर है. We are blessed. और हम आशीषित लोग हैं. We know that we are blessed. और हम ये जानते हैं कि हम आशीषित लोग हैं. But how we are
what is this word blessing. क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि उस वचन की आशीष हमारे लिए क्या है. When God said you are blessed. और जब परमेश्वर कहता है कि तुम आशीषित हो. You don't know what is that word brings to you. आपको पता नहीं होता कि वो आशीषित शब्द आपके जीवन के लिए क्या लेकर आ रहा है. First, I will tell you the definition of that. और पहले मैं आपको उसका डेफिनेशन बताऊंगी. In Hebrew word. और हिब्रू में. It is called barak. उसको बाराक बोला जाता है. B-A-R-A-K barak. बाराक बोला जाता है. In the Greek word. और ग्रीक भाषा में. Eulogia. Eulogia बोला जाता है. Eulogia. और यूलोगिया बोला जाता है. We can pronounce as we like. और जिस तरीके से हमको ठीक लगे हम उच्चारण कर सकते हैं. Both things से दोनों बातों का दोनों शब्दों का ये अर्थ है. That blessing originally involved. कि आशीष असल में हमारे जीवन में आ जाते हैं. A self-contained beneficial force. और एक आर्थिक चीज जो हमारे लिए फायदेमंद है. Which one could transmit. जो एक अपने जीवन में हासिल कर सकता है. Now you know about the Father God. आप पिता परमेश्वर के बारे में जानते हैं. You know how he created everything. और आप जानते हैं कि उसने कैसे इस सृष्टि को रचा. We have seen in the Bible Genesis first chapter. और उत्पत्ति पहले अध्याय में हमने ये सारी चीजों को देखा है. He created everything. और परमेश्वर ने सारी चीजों की सृष्टि की. When he opened his mouth. और जब उसने अपने मुंह को खोला. And when he said that let there be light. और जैसे उसने कहा कि उजियाला हो जाए. There was light. वहाँ उजियाला हो गया. When he said let there be plants. और जैसे ही परमेश्वर ने कहा कि वहाँ पेड़ और पौधे हो जाए. Everything what he said, fish and all the animals, whatever he said, they were there. और जो कुछ भी परमेश्वर अपने मुख से चाहे जानवरों के पेड़ के पशुओं के बारे में बोला वो सारी चीजें होती चले गई. About this anytime. क्या कभी आपने ये सारी बातों के बारे में सोचा है. When he said one word, जब परमेश्वर ने एक शब्द को कहा. That word carries power. और वो शब्द सामर्थ को लेकर चलता था. Because God is made of that power. क्योंकि परमेश्वर उस सामर्थ के द्वारा बनाया गया है. It's coming from his body. और वो सामर्थ परमेश्वर के शरीर से निकल कर आती है. परमेश्वर खुद सामर्थ्य है. बेनिफिशियल पावर. और ये हमारे लिए लाभदायी सामर्थ्य है. When he stands in the darkness. और जब परमेश्वर अंधकार में खड़ा हो जाता है. And if he says light means light comes. और अगर वो अंधकार में बोलेगा कि वहाँ उजाला हो तो हो जाता है. When somebody is dying here. जब कि वो मर रहा है वहाँ. Or dead here. या मरा हुआ पड़ा है. He will ask life to come. और जैसे ही परमेश्वर उसके अंदर जीवन आने के लिए बोलेगा. Life has come. तुरंत जीवन आ जाएगा. When he says a word. और जब वो किसी शब्द को बोलता है. You change your lifestyle. और तुम तुम्हारे जीवन शैली को बदल दो. Person will change. और वो व्यक्ति बदल जाता है. Anyone, she will be changed. चाहे कोई भी हो अगर परमेश्वर कहेगा तो वो बदल जाएगा. We have seen Saul. Saul. हमने शाऊल को देखा. He was killing people. वो परमेश्वर को मार डाल रहा था. Destroying the church. और कलीसिया को मार डाल रहा था. Within no time. और बिना किसी समय में. God has changed Saul in Paul. कुछ ही पल में परमेश्वर ने शाऊल को पाउल में बदल दिया. He has so much of power. और परमेश्वर के पास इतना सामर्थ्य है. With one word. एक शब्द से ही. When he looks at us. जब वो हमारी ओर देखता है. And sees the stone heart here. और हमारा पथरीला हृदय को देखता है. And says. और कहता है. Let the stone heart be removed and let the new flesh heart come. Means it will come. और जब परमेश्वर कहेगा कि हमारे हृदयों में से पत्थर कर दीजिए हटकर मांस और लहू का है तो वो आ जाता है. How? कैसे? Because he is self-sufficient God. क्योंकि परमेश्वर जो है वो खुद में सामर्थ्य है. He has that power. और उसके पास वो सामर्थ्य है. And this power. और ये सामर्थ्य जो उसके पास है. It is a beneficial power. और ये एक लाभदायी सामर्थ्य है. From him. जो उसमें से परमेश्वर में से होकर can be transmitted. वो किसी दूसरे में चले जाएगी. So God was searching. तो परमेश्वर ढूंढ रहा था. To whom he has to translate this power. और परमेश्वर ये ढूंढ रहा था कि किसके अंदर में मैं इस सामर्थ को डालूं. It is a divine power. क्योंकि ये एक अलौकिक सामर्थ है. God is made with that power. परमेश्वर उस सामर्थ
suns and stars, every minute is creation is taking place. अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं सूरज तारे और चंद्रमा और आकाश मंडल वो इतना सामर्थ्य परमेश्वर है. And he wants to give this creative power. और वो ये रचना में सामर्थ्य को हमें देना चाहता है. It is a beneficial power. ताकि ये जो लाभदायी सामर्थ्य है it can be transmitted. ये हमारे जीवन के अंदर भागित हो जाएंगी. If it comes to any person. अगर वो सामर्थ्य किसी भी व्यक्ति के पास आती है. They will be like us. वो लोग परमेश्वर के जैसे हो जाएंगे. Hallelujah. आपको समझ आया? What did I tell you? If you understand what you should do. अगर आपको समझ आ रहा है तो आपने क्या करना चाहिए? So he has created us in his image. तो परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है. He has given everything to us. और परमेश्वर ने सारी चीजों को हमें दिया है. Afternoon we have seen it. और दोपहर में हमने ये देखा. Now he found a person. अब उसने एक व्यक्ति को ढूंढा है. His name is Abraham. उसका नाम अब्राहम है. He told Abraham. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा. I will bless you Abraham. मैं तुझे आशीषित करूंगा अब्राहम. So you wait for the blessing. और इसलिए तू आशीष के लिए ठहरे रहे. He did not understand that. परंतु तब अब्राहम को ये बात पता नहीं था. He asked God. उसने परमेश्वर से पूछा. See, you have given me everything. प्रभु तूने मुझे सब कुछ दिया. But I don't have children to enjoy. और फिर भी मेरे पास बच्चे नहीं है कि मैं उनका आनंद ले सकूं. God said. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा. I will give you children. मैं तुझे बच्चों को दूंगा. Again and again and again he came and told. और बार बार परमेश्वर ने एक ही बात को बोला. And one day he got Abraham gave birth to Isaac. और एक दिन ऐसा आया कि अब्राहम ने इसहाक को जन्म दिया. And then God comes. और फिर परमेश्वर आया. Abraham. After 100 years. और 100 साल बाद. I gave you one son. मैंने तुझे एक बेटे को दिया ना. I want your son back. अब मैं चाहता हूँ कि तू तेरे बेटे को वापस मुझे दे दे. You give this boy. और तू इस लड़के को मुझे दे. As a sacrifice to me. एक ये लड़के को बलि के रूप में तू मुझे दे. Abraham said. अब्राहम ने कहा. Yes Lord. ठीक है प्रभु. He did not think anything. उसने कुछ भी नहीं सोचा. He was ready to give his son. वो बिल्कुल तैयार हो गया अपना बच्चा. Only son. अपना एकलौते पुत्र को. Then he was about to kill him. और जैसे ही वो अपने एकलौते बेटे को परमेश्वर को बलि चढ़ाने वाली था तो God said. परमेश्वर ने उससे कहा. अब्राहम. Don't kill your son. तेरे बेटे को मत मार. You are so obedient. तू इतना आज्ञाकारी है. You are ready to give your only son. तू अपने एकलौते पुत्र को भी देने के लिए तैयार हो गया. Now what I will give you? अब मैं तुझे क्या देना चाहता हूँ तुझे पता है? I will give myself to you. और परमेश्वर ने कहा मैं अपने आप को तुझे दे दूँगा. God, I have this power. और जो मुझे इस पावर के मेरे पास है, मैं तुझे दे दूँगा. Bless. और तू आशीषित है. Abraham received it. उसने उसे ग्रहण किया. And what did God tell? और परमेश्वर ने क्या बताया? Abraham, through you, तेरे द्वारा, I will bless whole world. मैं सारे पृथ्वी को आशीषित करूँगा. This power, और ये power, it will go to every individual. वो प्रत्येक व्यक्ति के पास चले जाएगी. When this blessing, और जब ये आशीष carries my power, ये मेरी सामर्थ को लेकर ये आशीष जाएगी. Everyone on this earth, प्रत्येक लोग जो इस पृथ्वी पर है, they will become gods. और वो परमेश्वर बन जाएंगे. Hallelujah. के काम 10 का उसका 35वां वचन. Read fast, madam. I have time. I promise them I'll finish within 15 minutes. परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता वरन हर जाति में जो उससे डरता है और नो एक्स नो नॉट एक्स सॉरी रोमन्स 10:34 रोमियो सॉरी जॉन 10:34 योहन्ना 10 का 34 जॉन 10:34 यीशु ने उत्तर किया. आप पढ़िए.
क्या क्या तुम्हारे व्यवस्था में नहीं लिखा हुआ है? I said you are God. क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि ईश्वर ईश्वर हो? When I am telling I am son of God. और जब मैं ये कहती हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं. Why you are disturbed? आप क्यों व्याकुल हैं फिर? You don't know that you are God moving here on the earth. क्या आपको नहीं पता कि आप ईश्वर हैं जो इस पृथ्वी पर चल रहे हैं? Only thing you don't know that. और ये केवल एक बात है जो आपको नहीं पता है. Through Abraham. अब्राहम के द्वारा. You have got my power into you. और अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को आप में दे दिया है. You are like me. और अब आप परमेश्वर के समान हो गए हैं. I have created you in my image. और परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है. Now what is happening in this world? और अब इस संसार में क्या हो रहा है? Romans 8:29. रोमियो 8 का 29 ऐसा कहता है. You are, you are, he is changing you. और वो परमेश्वर आपको यीशु के स्वरूप में बदल रहा है. Why? Because Jesus is the seed of Abraham. और क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अब्राहम के बीज है. You know that is the seed of Abraham. क्या आपको पता है कि यीशु अब्राहम का बीज है? Matthew 1:1 अगर आप निकाल करके पढ़ेंगे तो the record of the genealogy of Jesus. यहाँ आपको पूरी यीशु की वंशावली और यहाँ पर पूरा पत्ती एक एक में लिखा हुआ है. सन ऑफ डेविड, दाऊद का पुत्र. द सन ऑफ अब्राहम, अब्राहम का पुत्र. सो हु इज जीसस क्राइस्ट? और यीशु मसीह कौन है? He is the son of Abraham. अब्राहम की संतान है. What is carrying? और अब वो क्या लेकर चल रहा है? His beneficial power. तो अब्राहम की वो लाभी सामर्थ को लेकर चल रहा है. As a human being. और एक मनुष्य के रूप में. And those who are in him. और जो लोग उसमें हैं. They are little Jesus. और वो छोटे छोटे यीशु है. We are little Jesus. कुछ भी आप बताते हैं वैसा हो जाएगा. लोगों को
see great blessing. और तब आप बड़े आशीषों में अपने जीवन में देखने जाएंगे. और उस पर भी बारह का दो कहता है. And I will make you a great nation. और मैं तुझे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा. And I will bless you. और मैं तुझे आशीष दूंगा. And make your name great. और मैं तेरे नाम को महान करूंगा. And I will bless those who bless you. और मैं उन लोगों को आशीष दूंगा जो तुझे आशीष देते हैं. And the one who curses you. और जो तुझे श्राप देते हैं मैं उसे श्रापित करूंगा. Why? क्यों? Because we carry God's power. क्योंकि हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने अंदर लेना चाहते हैं. What should we do? और इसलिए हमें क्या करना चाहिए? Bless everyone. प्रत्येक जन को आशीषित करना है. Don't keep unforgiving the spirit. और ये आत्मा को जो क्षमा नहीं करती उसको अपने अंदर लेके मत चलिए. Unforgiving spirit carries death. और कभी भी ये क्षमा नहीं करने वाली आत्मा सिर्फ मृत्यु को लेकर चलती है. Unforgiving spirit carries life. और अगर हम क्षमा Unless you bless me. और जब तक तू मुझे
Isaac is dead. Isaac तो मर गया. Jacob is dead. Jacob मर गया. He is not God of dead. और वो मृतकों का परमेश्वर नहीं है. He is a God of living. और वो जीवितों का परमेश्वर है. Remember this. ये बात को स्मरण रखिए.
and in the Bible it says, और बाइबल में ऐसा कहते हैं Hebrews 4 and 3, इब्रानियों 4 4 1 4 1 चार का एक इस प्रकार से कहता है Therefore let us fear it, इसलिए हम उसका भय माने while a promise remains of entering his rest, कि